तो भाई लो यहाँ पे न्यू चैलेंज आ गया सुसी का, तो चलिए उसको डाउन करते हैं। तो दो स्केलेटन स्पेल डाल के यहाँ पे दो को बेबी ड्रैगन डाल देना है, जिससे वहाँ पे अपन तोड़ लेगा। फिर यहाँ साइड में क्वीन डाल के उसके साथ में पांचों हीलर को डाल देना है। फिर रेज डाल के एक वॉल ब्रेकर और एक बलून को डाल देना है। उसके बाद यहाँ साइड आना है, फिर साइड में दो को स्केलेटन स्पेल डालना है और दोनों बेबी ड्रैगन को डालना है। उसके बाद हल्का सा साइड होकर वहाँ पर जितना बलून है सब बलून उतार के फिर सारे बेबी ड्रैगन के साथ में ग्रैंड वार्डन को डाल देना है। तो उसे वेट करना जब ग्रैंड वार्डन अंदर चल जाएगा और मैक्स ट्रूप उसके उसके सर्कल में होंगे, उसके बाद उसकी एबिलिटी यूज़ करना है। तो तब तक में हम उन ग्रैंड वार्डन को अंदर जाने तक में रुकते हैं। ग्रैंड वार्डन जैसे ही अंदर चल जाएगा तो उसकी एबिलिटी हमें यूज़ कर देना है, जैसे हमारे ट्रूप्स को डैमेज नहीं पड़ेगा। तो उसकी एबिलिटी यूज़ कर देते हैं। फिर यहाँ साइड में नीचे आते हैं, यहाँ पर एक तो स्केलेटन स्पेल डालेंगे और एक वॉल ब्रेकर डालेंगे, सॉरी दो वॉल ब्रेकर डालेंगे, उसे किंग और रॉयल चैम्पियन डाल के चार हेड हंटर डाल देंगे। फिर रेज स्पेल लेके डाल देंगे, जिससे हमारे ट्रूप्स ज़्यादा डैमेज दे पाए और आगे तक में बूस्टअप हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, फिर एक तो फिजिक्स स्पेल डाल देना है, जिससे टीएस उठ जाएगा और बेबी ड्रैगन बच जाएंगे। टीएस डाउन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना है बस, फिर हेड हंटर को डालना है, जिससे वो एनिमी वाले हीरो को टेक डाउन कर पाए। तो यहाँ पे इसे डाल देते हैं। अब थोड़ा सा रुक के फिर एक वॉल ब्रेकर डालेंगे, फिर फ्रीजिंग स्पेल। तो पहले वॉल ब्रेकर डाल देते हैं, जिससे वो वहाँ पे वॉल तोड़ देगा। फिर फ्रीजिंग स्पेल डाल देते हैं, जिसे किंग बच जाएगा और किंग आगे जाके डाउन कर पाएगा बाकी सारे डिफेंस को। तो यहाँ पे किंग डिफेंस को डाउन कर दिया, किंग की एबिलिटी यूज़ कर देते हैं, बस काम ख़त्म हो गया। तीन स्टार अब कुछ है ही नहीं, हमारे पास क्वीन बची है पूरी फुल एबिलिटी आनी, तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो आराम से बैठे बैठे तीन स्टार हो गया है। तो जाओ इस इवेंट को भी लूट लो एकदम आराम से, एकदम हल्के में जाकर ये सब।